वो यीशु के नाम में प्यारो आप सभी का आज की सर्विस में हम स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के चरणों में जाएं। आज का ये दिन परमेश्वर ने हमें दिया, उसकी आराधना करने का ये अवसर है प्यारो। आइए सब कुछ भूल कर आज उसकी आराधना में खो जाएं। काफी चीजों को शायद हम अपने मनों में, दिमाग में, हृदय में लेकर बैठे होंगे। कई प्रकार की चिंताएं होगी, या तो बीमारी हो सकती है, या तो पारिवारिक प्रश्न हो सकते हैं, या तो भविष्य की कोई चिंता हो सकती है, शायद पैसों की चिंता हो सकती है, कुछ भी क्यों ना हो, आज सब कुछ भूल जाए प्यारो, सब कुछ बाजू पर रखे और वो परमेश्वर की ओर आज हम देखें, जो इन सब चीजों पर हमें विजय दिलाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया, वो परमेश्वर है प्यारो। शायद हम हमारे जीवनों में जो पर्वत है, पहाड़ है, उसकी ओर देखकर कहेंगे कि ये पहाड़ पर मैं कैसे चढ़ पाऊंगा, कैसे इसके ऊपर मैं विजय पा सकूंगा, लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर वो सामर्थ्य रखता है प्यारो, हर एक पर्वतों के ऊपर हमें चढ़ाने की, विजय दिलाने की। आए प्रभु से कहे, प्रभु मैं पहाड़ों की ओर नहीं देखना चाहता, मैं आपकी ओर देखना चाहता हूँ। मेरे जीवन में जो समस्या है उसकी ओर नहीं देखना चाहता, लेकिन जो मुझे समस्याओं से बाहर ला सकता है उसकी ओर मैं देखना चाहता हूँ। प्रभु आप मुझे अनुग्रह दीजिए, सब कुछ भूल कर मैं आज आपकी आराधना कर पाऊं। आइए कहे प्रभु से, प्रभु आपकी ओर देखने का अनुग्रह दीजिए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, पहाड़ों की ओर नहीं, पर्वतों की ओर नहीं, लेकिन पर्वतों से भी जो बड़ा है, जो पर्वतों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर हमें चढ़ाने की, विजय दिलाने की सामर्थ रखता है, उसे हटाने की सामर्थ रखता है। प्रभु हम उसकी ओर देखना चाहते, अनुग्रह दीजिए प्रभु, अनुग्रह दीजिए कि हम आपकी ओर देख पाए प्रभु, आपको श्रेष्ठ सम्मान दे पाए प्रभु, आपके नाम की महिमा कर पाए, आपके नाम को हम ऊंचा उठा पाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह दीजिए, सब कुछ भूल कर पर्वतों की ओर नहीं, आपकी ओर देखने का अनुग्रह में दीजिए। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन हालेलुया। आए प्यारो प्रभु को धन्यवाद देते हुए गाना गाए, पापों की क्षमा है तेरे नाम में, मिले दिल को सुकून भी तेरे नाम में। प्रभु यीशु के नाम में प्यारो पापों की क्षमा है, और वो ही यीशु है जो हमारे दिल के हर एक बोझों को लेकर हमें सुकून और शांति दे सकता है। हालेलुया, आए उससे महिमा देते हुए गाए। तेरे नाम में मिल दिल को सुकून भी तेरे नाम में, मिलकर गाए पापों की क्षमा, पापों की क्षमा है तेरे नाम में, मिल दिल को सुकून भी यीशु नाम में। आसमानों में या जमीन में कोई और नाम नहीं, आसमानों में या जमीन में कोई और नाम नहीं, हजारों साल तक तेरा नाम है महान, न तू बदला न बदलेगा, ऊंचा है तेरा नाम, ऊंचा है तेरा नाम। हालेलुया यारो, यीशु का नाम सब नाम है। हम उसे कहना चाहते हैं, प्रभु यीशु आपका नाम सब नामों से ऊपर है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे मूसा ने डेजर्ट में, मरुभूमि में, जैसे सांप को ऊंचा उठाया था, जब लोग सांप के दंश से मर रहे थे, तब प्रभु ने उन्हें एक उपाय दिया,
मूसा को बताया कि तू ऐसा सांप बनाकर खड़ा कर और उससे जो देखेगा वो नहीं मरेगा। प्रभु की ओर से वो उपचार था, उपाय था। प्रभु यीशु को भी प्यारो क्रूस पर उठाया गया और उसकी ओर जो भी देखता है प्यारो वो परमेश्वर की ओर से उद्धार पाता है। वो परमेश्वर का उपाय है प्यारो, वो परमेश्वर की ओर से उनके लोगों को बचाने का एक उपाय है। हालेलुया, आइए आज प्रभु यीशु की ओर देखें। और जब आप अपने जीवनों में यीशु को ऊंचा उठाओगे, अपने आप तकलीफ समस्या दुष्टात्माएं नीचे गिरेगी। हालेलुया, आइए मिलकर फिर से एक बार गाएं। पापी समा है तेरे नाम में, मिल दिल को सुकून यीशु नाम में। पाप की क्षमा है तेरे नाम में, ले दिल को सुकून यीशु नाम में। आसमानों में या जमीन में कोई और नाम नहीं, आसमानों में या जमीन में कोई और नाम नहीं। हजारों साल तक तेरा नाम है महान, न तू बदला न बदलेगा। ऊंचा है तेरा नाम, ऊंचा है तेरा नाम, मिलकर गाए ऊंचा है तेरा नाम। हर जाति झुकेगी तेरे नाम में, हर घुटना टिकेगा यीशु नाम में। मिलकर गाए हर जाति झुकेगी यीशु नाम में, हर घुटना टिकेगा यीशु नाम में। आसमानों में या जमीन में कोई और नाम नहीं, आसमानों में या जमीन में कोई और नाम नहीं। हजारों साल तक तेरा नाम है महान, न तू बदला न बदलेगा। ऊंचा है तेरा नाम, ऊंचा है तेरा नाम, मिलकर गाए ऊंचा है तेरा नाम। यीशु, मिलकर गाए यीशु, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। हजारों साल तक तेरा नाम है महान, न तू बदला न बदलेगा। ऊंचा है तेरा नाम, मिलकर गाए ऊंचा है तेरा नाम, ऊंचा है तेरा नाम। यीशु का नाम सबसे ऊपर है, वो आजकल का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, वो हजारों सालों से वैसे का वैसा है, उसका सिंहासन कोई भी हिला नहीं सकता। मैं कुछ समय पहले एक मैसेज पढ़ रहा था व्हाट्सएप पर, और उसमें कुछ कंपैरिजन की गई थी प्रभु यीशु की किसी और से। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो कंपैरिजन की गई थी उसमें ऐसा लिखा था कि यीशु मसीह तो जिंदा खुदा थे,
लेकिन उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, उनके हाथों और पैरों में किले मारे गए, और वो कैसा परमेश्वर है जिसके हाथों और पैरों में किले मारे गए, फिर भी कोई उसे बचा ना पाया, ना खुद वो अपने आप को बचा पाया। और फिर वहां लिखा था कि ऐसा परमेश्वर जो खुद अपने आप को बचा नहीं पाया, वो दूसरों को क्या बचाएगा। मुझे पहले तो जिस व्यक्ति ने वो मैसेज लिखा था उसके अज्ञान के विषय में सोचकर बड़ी हंसी आई। ये तो ऐसा हुआ, मान लो कोई क्रिकेट टीम, मान लो हमारे भारत देश की क्रिकेट टीम में कोई अच्छा प्लेयर है, मान लो सचिन तेंदुलकर, और वो बैटिंग कर रहे हैं, और अभी तो वो आधी बैटिंग उनकी खत्म हुई है, और हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देते, बोलने लगते हैं कि सचिन तेंदुलकर अच्छा प्लेयर नहीं है, वो तो बकवास है, अभी आधी ही बैटिंग खत्म हुई है। और उसके बाद आधी बैटिंग के बाद वही सचिन तेंदुलकर चौके और छक्के लगाता है, वो हम नहीं देखते। आधी इनिंग को देखकर, आधी मैच को देखकर हम निर्णय जाहिर करें तो मूर्ख कौन है? हम ही है प्यार। बस प्रभु यीशु के साथ भी वैसा ही हुआ, क्रूस पर उनका चढ़ाया जाना वो तो आधी इनिंग हुई थी, आधी ही मैच हुई थी, और उसके बाद में प्रभु यीशु ने प्यारो जो किया वो इस संसार में ना कोई कर पाया है और ना कोई कर पाएगा। वही प्रभु यीशु जिसको मार दिया गया क्रूस पर चढ़ाकर, वो तीसरे दिन मृत्यु से जी उठा, हालेलुया। कब्र भी उससे बांध नहीं पाई, कब्र के बंधनों को तोड़कर मृत्यु पर विजय पाकर वो इस संसार में ऐसी पहली व्यक्ति बने, ऐसे ईश्वर बने जिससे मृत्यु पर विजय पाए। हालेलुया। वो व्यक्ति को पूछना है मुझे जिसने ये प्रश्न को लिखा था, जिस विषय में, जिस व्यक्ति के विषय में आप बात कर रहे थे, क्या वो मरकर जी उठे हैं? इस संसार में एक ही है जो मरकर जी उठे, हजारों सालों से वो वैसे का वैसा है, वो नहीं बदला है, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा और हर जुबा एक दिन कबूल करेगी कि वो ही यीशु मसीह। हालेलुया। आयु से महिमा देते हुए फिर से गाए, यीशु यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। Yeshu, 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 tere jaisa koi nahi, tere jaisa koi nahi, Yeshu, tere jaisa koi nahi, हजारों साल तक तेरा नाम है महान, ना तू बदला ना बदलेगा, ऊंचा है तेरा नाम, ऊंचा है तेरा, ऊंचा है तेरा नाम, वादों को पूरा करने वाला खुदा, कहकर न पीछे हटने वाला खुदा, वायदों को पूरा करने वाला खुदा, कहकर न पीछे हटने वाला खुदा, उसकी रहमत के गाओ सरगे, उसने मृत्यु पर पाई है जीत, उसकी रहमत के गाओ सरगे, उसने मृत्यु पर पाई है जीत, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, उसके करम से बने हैं जमी आसमान, उसके फजल से ही जिंदा है हम सब यहाँ, उसके करम से बने है जमी आसमान, उसके फजल से ही जिंदा है हम सब यहाँ,
उसकी कुदरत के गाओ सारगी, उसने मृत्यु पर पाई है जी हाँ मिलकर गाए, उसकी कुदरत के गाओ सारगी, उसने मृत्यु पर पाई है जी। यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा। हो वायदों को पूरा करने वाला खुदा, कहकर न पीछे हटने वाला, ताली बजाकर गाए। वायदों को पूरा करने वाला खुदा, कहकर न पीछे हटने वाला खुदा, उसकी रहमत के गाओ सारगी, उसने मृत्यु पर पाई है जी, उसकी रहमत के गाओ सारगी, उसने मृत्यु पर पाई है जी। यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा, ऊंची आवाज में बिखर गाए, यीशु मेरा जिंदा खुदा। उसके जलाल और शौहरत का करते बयान, मेरे यहोवा के जैसा है कोई कहां। उसके जलाल और शौहरत का करते बयान, मेरे यहोवा के जैसा है कोई कहां। उसकी शौहरत के गाओ सारगी, उसने मृत्यु पर पाई है जी, उसकी शौहरत के गाओ सारगी, उसने मृत्यु पर पाई है जी। यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा। वायदों को पूरा करने वाला खुदा, कहकर न पीछे हटने वाला खुदा, वायदों को पूरा करने वाला खुदा, कहकर न पीछे हटने वाला खुदा, उसकी रहमत के गाओ सारगी, मृत्यु पर पाई है जी मिलकर, उसकी रहमत के गाओ सारगी, उसने मृत्यु पर पाई है। यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा। उसकी शौहरत के गाओ सारगी, उसने मृत्यु पर पाई है जी, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा। हाथों को उठाकर गाए, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा। हालेलुया, प्रभु यीशु हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप वो परमेश्वर हो जो जरूर क्रूस पर चढ़े तो गए, क्रूस पर जड़ाए तो गए, लेकिन क्रूस पर से जब आपको गाड़ा गया, तीसरे दिन कब्र में से जिंदा होकर उठ खड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मृत्यु आपको हरा नहीं पाई, आप जिंदा खुदा हो। इस संसार में ना कोई है ना कोई होगा, हजारों सालों से आप एक ही हो जो जिंदा परमेश्वर हो। हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा, यीशु मेरा जिंदा खुदा। एक आखिरी गाना परमेश्वर की आराधना करते हुए गाए, आराधना आराधना करते रहेंगे सदा। प्रभु को कहना चाहते, प्रभु आपकी आराधना हम हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि आप आराधना के योग्य हो। पापों को मेरे तुम्हें उठाकर खाई कोड़ों की मार, तू मर गया कि मैं जीवन पाऊं। कैसा है प्रेम अपार, हमारे बदले प्यार वो मारे गए।
हमें जीवन मिले इसलिए उन्होंने खुद जीवन दिया प्यारो। आए प्रभु से कहे जिएंगे हमेशा तेरे लिए, गाते रहेंगे सदा, समर्पण भी कर अपने आप का। ये जीवन हमारा नहीं है, अब ये यीशु की अमानत है प्यारो। कहे उससे प्रभु ये जीवन हम आपकी महिमा के लिए जिए, क्योंकि ये जीवन को बचाने आपने अपना प्राण दे दिया, अपना जीवन दे दिया। आए उससे महिमा देते हुए गाना गाए। सदा जिएंगे
हमेशा तेरे ही संग में गाते रहेंगे सदा आराधना 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 यीशु आराधना गाय शवाने आराधना 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 यीशु आराधना 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 तेरी आराधना आराधना करते रहेंगे सदा आराधना हो आराधना करते रहेंगे सदा तू आराधना आराधना करते रहेंगे सदा आपको उठाए प्यारो और प्रभु को महिमा दे प्रभु से कहे प्रभु आप ही आराधना के योग्य हो कौन ऐसा होगा जो गुनेगारों के लिए अपने प्राण दे मैं जब गुनेगार था तब प्रभु यीशु आपने मेरे लिए अपनी जान दे दी मुझे जीवन देने के लिए मुझे अनंत जीवन देने के लिए हालेलुया अपना हाथों को उठाए प्रभु को महिमा दे आराधना तेरी आराधना यीशु की आराधना आराधना तेरी आराधना करते रहेंगे सदा आराधना तेरी आराधना सदा प्रभु हम जीवन भर आपके नाम को ऊंचा उठाते रहे क्योंकि ये जीवन आपकी दी हुई भेंट है अमानत है प्रभु आपकी आपके कारण हम जीवित है आपके कारण हम अनंत जीवन के वारिस बने आपके कारण हमारे पापों की क्षमा दी गई यीशु आपके आपने जीवन दिया कीमत चुकाई ताकि हमें जीवन मिले हमारी प्रार्थना है हम जीवन भर आपके महिमा करते रहे और एक दिन जब आप इस दुनिया में हमें लेने आओ हम हमेशा के लिए आपके साथ इस पृथ्वी से आकाश में ले लिए जाए और हमेशा आपकी महिमा करते रहे हमारी आराधना वो यीशु मसीह के नाम में है जो मर जरूर गया क्रूस पर जरूर चढ़ाया गया कब्र में गाड़ा भी गया लेकिन तीसरे दिन जी उठा हालेलुया जो जिंदा खुदा है जो हजारों सालों से है और रहेगा उत्पत्ति से है और रहेगा हालेलुया उसके जैसा कोई नहीं यीशु जैसा कोई नहीं हमारी आराधना प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता आप कबूल करें Amen.